अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम करने जा रहे हैं ST 641 के असाइनमेंट नंबर 1। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए होंगे। की टू पॉइंट्स, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 1। ये शीट जो है ये मेरे से ऐड हुआ है, एक्चुअली आपकी ये नहीं है, जस्ट 4 है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे इनके की पॉइंट्स क्या हैं। इन्होंने बोला कि सबसे पहले आपने LMS से करनी है डाउनलोड फाइल, देन आपने उसे ओपन करना है MS Excel में, और उसमें जो 4 शीट्स हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, हाउ टू सॉल्व एंड की पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है हाउ टू सॉल्व में, उधर आप देख लीजिएगा। और 5th में है कि आफ्टर, मतलब जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, आप क्वेश्चन 1 पे जाए, क्वेश्चन 1 सॉल्व करें, क्वेश्चन 2 सॉल्व करें, और जो फार्मूला ठीक हो, जिस फार्मूला के हिसाब से सेट सॉल्व करने हो, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई अपने से बुक नहीं करना कुछ। और अपना असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करने के बाद उसे सेव करना है, फिर उसे अपलोड करना है। ये तो हो गए हमारे की पॉइंट्स। आगे हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व। इसमें है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यू कैन ऐड एडिट डाटा ओनली इन हाइलाइटेड एरिया। जो हाइलाइटेड एरिया है उसमें आपने डाटा अपना पुट करना है, और नो मैनुअल कैलकुलेशन। जो फार्मूला वगैरह लगाते हैं वैसे आपने कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, जैसे मतलब राइट करना है फार्मूला, वैसे नहीं करनी। तो आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन 1। इसमें हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम एंड मीन ऑफ द डाटा। क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, परफॉर्म द सिंपल कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस और सिंपल कोरिलेशन के लिए हमें हमारे एक्सेल में कुछ नहीं ऐसा मिलता लाइक फार्मूला टाइप, तो उसके लिए हमें अलग से फार्मूला अपने एक्सेल में सेव करना होता है, अगर आपके पास ऐड करना होता है। या फिर अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं ऐड करवा दूंगी इंशाल्लाह जब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने पहले किया हुआ है सॉल्व। तो एक्चुअली अगर आपके सामने सॉल्व करती तो टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगी। तो फॉर द गिवन डाटा फाइंड कैलकुलेट ये मिड पॉइंट रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और हिस्टोग्राम एंड एट द एंड मीन ऑफ द डाटा। ये हमने फाइंड आउट करना है। ये हमें इन्होंने क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसी हमने दोनों वैसे ही अपने इधर पुट कर ली हैं वैल्यूज। अब जो जो इन्होंने दी हुई है उधर उधर ही वैल्यूज पुट करनी है, हम लोग कुछ एडिशनल नहीं इसमें ऐड कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमने मिड पॉइंट कैसे निकाला। मिड पॉइंट, इधर मैं एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ, मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें करना होता है कि ये जो 5 है और 10 है, ये 2 वैल्यू है, तो इसको हमने ऐड करना है। दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करना है, +10, ठीक है। तो इसके अगर हम लोग ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे, हमें इसके ऐसे ब्रैकेट्स पुट करना होगा, उसके बाद हमने उसे करना है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 वैल्यू है, इस वजह से हमें 2 पे डिवाइड करना है, और ये 2 पे ही डिवाइड होता होता है। तो आ गया 7.5। अभी नेक्स्ट जो हमारा था, हम लोग उससे भी ऐसे ही करेंगे कि ये 10 है, 10 + 15 / 2, सबको 2 पे ही डिवाइड करते जाना। तो ऐसे ये सारे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हम लोग ड्रैग नहीं करेंगे, ड्रैग करने से इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसमें हमें अलग से फार्मूला पुट करना पड़ेगा, मतलब हर एक में फार्मूला पुट करके हमें इसकी वैल्यू निकालना होगी। तो अगर हम लोग देखें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने सिंपल एक्चुअली मैं इन सबको कर रही हूँ रिमूव, आप कहेंगे पता नहीं क्यों कर रही हूँ, एक्चुअली मैं इनका आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंसी को लेंगे और डिवाइड करेंगे उसे टोटल फ्रिक्वेंसी से। टोटल फ्रिक्वेंसी हम लोग इधर नहीं ऐसे ऐड करेंगे,
हम लोग इसकी जगह करेंगे 146, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, अब इसे हम ड्रैग करेंगे, तो ये आ गई इसकी वैल्यूज। और ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने क्या किया है, एक्चुअली मैंने पहले ही परसेंटेज पे वो क्लिक किया हुआ ताकि हमारी परसेंटेज आ जाए, आपकी परसेंटेज नहीं निकलेगी तो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली इसे टाइम लग रहा है, तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज के लिए हम लोग लेंगे अपनी फ्रिक्वेंसी को, सिंपली एंटर किया हमने, ये 3% आ गया। ये 3% क्यों आया, क्योंकि मैंने इधर पहले ही परसेंटेज, इधर एक ऑप्शन है ये देखें परसेंटेज वाले में, मैंने पहले ही इस पे क्लिक कर दिया था, तो आप इस पे क्लिक कर देना और उसके बाद ये ऐड हो जाएंगी, मतलब परसेंटेज ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपने बनाया इसे ट्रैक, तो ये आपकी परसेंटेज आ गई। उसके बाद ये मिड, ये जो एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है के फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मिड पॉइंट्स, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है एफ एक्स। एफ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को और हमारा एक्स है, ये एक्स और वहां होता है एफ एक्स, ये दोनों, ये फ्रीक्वेंसी, ये मिड पॉइंट है एक्स, तो इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो आ गया 30। मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट 8 का बटन प्रेस करना है, उसके बाद ये मिड पॉइंट, देन हमारा निकला है 8। अब हमने इसे किया था ड्रैग, ड्रैग करके हमारी ये सारी वैल्यूज आई थी, उसके बाद ये जो था हमने निकाला इनका सम, जो कि ऐसे निकालते हैं इन सबको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आना है सब वैल्यूज को, तो ऐसे आ जाएगा 0.5:10, तो उसे कर देना है एंटर, तो ये हमारा आ गया इस तरह। तो इसे भी हमने ऐसे ही किया हुआ है, ये देखिए इधर फार्मूला शो हो रहा है ये वाला। फिर हमने मतलब ये जो किया था मीन निकाला था, मीन निकालने के लिए हमने किया इज इक्वल टू ये एफ एक्स डिवाइडेड बाय 146, तो एंटर किया हमारा आ गया आंसर इधर। अभी हमारे पास है हिस्टोग्राम, हमने कैसे पहले फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को करना है हमने सेलेक्ट, उसके बाद हमने जाना है इंसर्ट के टेबल बार पे ना, उसके बाद रिकमेंडेड चार्ट्स और ये सेकंड पे ऐसे इधर वैल्यूज आ जाएंगे, तो उसके बाद जो आपको अच्छा लगे इसमें से तो ये वाला बेस्ट है। ये वाला ही लेते हैं, ये वाला ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब इसे करें, सबसे पहले हमारे जो ये बार हैं इनके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो ये स्पेस को हम लोग ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग ऐप ख़त्म करते हैं। ये देखें ये हो गया, तो सेकंड पे हम लोग करेंगे इसकी कलर फिलिंग वगैरह जो अच्छी लगी, और बैटर ग्रेडियंट सॉलिड फिल इसके लिए हम लोग लेते हैं कोई अच्छा सा कलर, ये वाला, ये ज़्यादा ही लाइट हो गया है, तो कौन सा कलर है, रेडिश, ये रेड वाला ले लेते हैं, ये ओके, कलर तो लाल कलर तो चाहिए। उसके बाद हम लोग इसके जो बॉर्डर लेंगे, तो इसका बॉर्डर होना चाहिए, जैसे बॉर्डर नहीं है ये अलग अलग दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग करते हैं ब्लैक ताकि ये अलग अलग हो जाए। देखिए अब हमारा मिड पॉइंट की जगह हम लोग लिखेंगे हिस्टोग्राम, इसकी जगह आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट किया इसकी जगह इधर होम पे जाके इधर लेआउट में ना, लाइक ये वाला जो है,
ये वाला अपना शेयर कर सकते हो और बाद में से आपको चीज नहीं है फीलिंग, ये इस वजह से मैंने लिया है क्योंकि इधर इधर भी लिखा हुआ था, तीन तो आप लोग अपने डाटा वगैरह ऐड कर सकते हैं, इस वजह से नहीं मिली मेरे पास वगैरह ऐड करें। ठीक है इधर फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इधर क्लास बाउंड्रीज इस इधर करें फ्रीक्वेंसी, फिर बाद में चेक करना चाहते हो कि बोल बोल पहले ये। ठीक है तो ये हमारा बन गया अभी चार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। अभी हम लोग जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ये पहले मैंने बनाया हुआ था अभी कट, नहीं ये नहीं होने वाला, मैं इसे दोबारा करती हूँ। दोबारा मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, उधर से मैंने कट कर लिया था कंट्रोल सी। अभी हम लोग इधर देखेंगे रिग्रेशन, सबसे पहले हम लोग करते हैं कोरिलेशन। ठीक है कोरिलेशन करने के लिए सबसे पहले हमने करना है, इधर एक चीज करनी है, ये हमने करना है ऐड इन करना है फार्मूला, क्योंकि ये इधर नहीं होता LMS में, नहीं तो खुद ऐड करना पड़ता है। हम लोग ने ओपन किया फाइल, फाइल के बाद हम लोग गए हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन के बाद एड इंस, एड इंस में होता है, एड इंस में जाने के बाद एलसीएस टूल, एलसीएस टूल पे क्लिक करके ओके कर देना। ठीक है तो उसके बाद आपके इधर डाटा पैक की जरूरत में, डाटा एनालिसिस की जरूरत में आ जाएगा डाटा, या फिर इंसर्ट में इधर आएगा, या लेआउट में, या फिर फार्मूला में इस जगह पे। ठीक है लेकिन मेरे इधर है डाटा में, डाटा एनालिसिस। तो सबसे पहले हमने देखना है सिंपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन के लिए हम लोग इधर करेंगे कोरिलेशन। ठीक है ओके किया और इधर आ जाएगा एक बॉक्स, उसमें हमने करनी है ये दोनों वैल्यू, ये दोनों ऐसे पुट करनी है इधर करके ना रेंज पे जाके, तो दोनों को करना है सिलेक्ट और फिर इधर आ जाना है। उसके बाद हमने करना है लेबल पे क्लिक करना है और आउटपुट रेंज, आउटपुट रेंज क्यों सिलेक्ट करते हैं, ताकि हम लोग अपने डिजायर्ड प्लेस पे अपना डाटा ले सके। लाइक मुझे इधर लेना है, एक्चुअली मैंने पहले भी निकाले लेकिन दोबारा फिर इधर लेना है, तो उसके लिए हमें ओके का बटन प्रेस करना होगा। ठीक है इधर आ गया ये वाला, एंड सेकंड रिग्रेशन। लिखा हुआ सेकंड रिग्रेशन हमने निकालने के लिए हम लोग करेंगे अपने डाटा पैक को ओपन, रेडेंसीज को ओपन करेंगे, उसके बाद देखेंगे इधर रिग्रेशन कहाँ पे, रिग्रेशन फाइंड करके ये पड़ा है रिग्रेशन, उसके बाद हम लोग ने अपना रिग्रेशन निकालना है। तो उसके लिए अब ये देखिए आप, स्टडी आवर्स जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करते, हमारे मार्क्स डिपेंड करते हैं कि हम लोग कितना घंटा स्टडी करके कितने मार्क्स लेते हैं। ठीक है तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और जो हमारे स्टडी आवर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से हम लोग वाई में लेंगे ये वाली वैल्यू जो कि हमारी है डिपेंडेंट, और एक्स में लेंगे वो वाली वैल्यू जो हमारी डिपेंडेंट नहीं है। ओके हो गया, उसके बाद इधर लेबल पे क्लिक कर लेना है और कॉन्फिडेंस लेवल को, ताकि हमारा एक्यूरेट हो। उसके बाद हमें इधर न्यू वर्कशीट पे क्लिक नहीं करना, हमें जस्ट करना है आउटपुट पे, आउटपुट पे क्लिक करके अभी हमने अपने डिजायर प्लेस देखनी है, हम लोग कहाँ पे अपना डाटा लेना चाहते हैं, तो हमें लेना है अपना डाटा इधर। ठीक है तो उसके बाद हमें सिंपली कर देना है ओके पे क्लिक, तो ये हमारा डाटा आ गया पूरे हमारे बॉक्स के अंदर। ठीक है बाहर नहीं गया हमारा डाटा, एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा इधर कर लेती तो फिर ठीक हो जाना था। और फिर अभी हमें हमारा इंटरसेप्ट को कर लेना है,
और हमारी स्टडी आ चुके, हमारे डिपेंड नहीं करते थे, ये हमारे करते थे डिपेंड, ठीक है। तो इसे हम लोग करेंगे अपना कलर। कलर करने के बाद इसे भी आप कलर कर लेना दोनों को बोल करके, ताकि ये अलग दिखे। उसके बाद हमें देखना है, इसमें थोड़ा सा एडिंग करनी है फार्मूले की, कि हम लोग ने इसे अभी हमने बना तो लिया कि हम लोग इसे एडिंग कैसे करें ना, फार्मूला वगैरह। तो उसके लिए हमें करना है टेस्ट स्कोर, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू लेंगे सबसे पहले इंटरसेप्ट की। हम लोग इधर इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारी 68.091, इधर तक ही ठीक है। उसके बाद करेंगे हम लोग प्लस 0.31993, और उसके बाद हम लोग करेंगे शिफ्ट 8 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई स्टडी आर्ट्स, ठीक है। तो बस और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और एक बात लास्ट पे, अगर आपको फाइल चाहिए हुई तो आप कमेंट कर देना, आपको फाइल मिल जाएगी। और ये थोड़ा सा हम लोग ना इसे खुला खुला कर लेते हैं, ताकि हमें हमारी वैल्यूज जो अच्छे से मिल सके। इधर से लास्ट पे, ताकि टोटल वैल्यू जो है वो हमारी हमें नजर आए, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पे करते हैं ये वाला। बाकी ठीक ही है। ओके, अल्लाह हाफिज। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा।